अब फर्स्ट केस में हमें इस आर्टिकल में आप देखना है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। अब हमारे पास एक क्यूब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें हमने सेंटर पे चार्ज रखा है, तो पोजीशन ऑफ चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब है। तो नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, दैट इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। नाउ क्यूब, फॉर क्यूब चार्ज इज कम्प्लीटली इन साइड बिकॉज चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। देयर फॉर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ टोटल फ्लक्स इज फाई इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, हर एक फेस में पूछा है, तो टोटल फ्लक्स निकलने वाला कितना है, क्यू बाय इप्सिलॉन जीरो। तो क्यूब को सिक्स फेस है, therefore flux passing through each face is total by 6, that is q by 6 epsilon naught. This charge plus q is emitted suppose 6000 lines, then 1000 lines outward lines, because this charge is positive, 1000 lines are passing through top, 1000 lines passing through bottom, 1000 lines passing through left, 1000 lines passing through right, 1000 lines passing through front, and 1000 lines passing through back side, right? In this way 6000 lines are divided in 6 faces, therefore flux through each face is q by 6 epsilon naught. Okay, iske tum screenshot le lo, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। अब क्या है, पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस, किसी एक फेस पे रखना है और उसके सेंटर को। अब देखो ये फेस है हमारे पास जिसका नाम है सी डी एच जी, उसके सेंटर को हमने रख दिया चार्ज प्लस क्यू। तो पहला काम करना है कि इस चार्ज को कम्प्लीटली इनक्लोज करना है गॉसेस थ्योरम के लिए। फॉर दिस वी कंसिडर अ इमेजनरी क्यूब, दिस डॉटेड क्यूब इज अ इमेजनरी क्यूब, इमेजनरी ओरिजिनल में नहीं है, कंसिडर किया हमने। देयरफॉर नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल क्लोज्ड सिस्टम अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम is now phi equal to q by epsilon 0. Therefore, number of cubes required to enclose a charge completely is 2. Answer is 2. Matlab, another ek lagega, dusra ek lagega. Then, flux through the given cube. Ab is total closed surface mein jata tha q by epsilon 0. To hamara cube jo hai, wo ABCD cube hai. तो हमारे क्यूब में कितना जाता था, तो हमारे क्यूब में कितना जाता था बताओ बरा, ये क्यूब में, ये ओरिजिनल क्यूब है हमारा, तो इस क्यूब में कितना जाता था, पूरे इस क्लोज्ड सिस्टम में, ये क्लोज्ड सिस्टम में क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो था, तो हमारे क्यूब में जाता था उसका आधा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। बट नो फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस सी डी एच जी, वाई flux not passing through CDHG. Now charge is at the center of this face. Therefore electric lines are parallel to this space. Electric lines are parallel to this space. Therefore normal to this area, normal to this area is outward this side, and electric field due to point charge along this direction, therefore angle between them is 90, therefore phi equal to E A cos 90. No flux passing through face C D H G. So flux pass nahi hoga, kis mein pass nahi hoga, flux C D H G mein flux pass hone wala nahi hai, right? Then flux passing through each face of the cube. Now, हमारे
क्यूब के एक फेस में फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी फाइव फेस में पास हो रहा है, राइट? कौन कौन से फाइव फेस? तो ये फेस एक, ये नीचे का, ये आगे का और सामने पीछे का और आगे का। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, हमारे क्यूब में ए बी सी डी के हर एक फेस में कितना जाएगा? अब टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है क्यूब बाय टू एप्सिलॉन जीरो, उसमें से पांच फेस में ही जा रहा है, तो हर फेस में कितना जाएगा? तो हर फेस में टोटल बाय फाइव यानी क्यू बाय टेन एप्सिलॉन जीरो पास होगा। पोजिशन ऑफ चार्ज चेंज किया, कहाँ रखा? एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द एज, किसी भी एक एज के सेंटर पर रख दो तुम, ठीक है? कहीं भी रख सकते हैं, हमने रखा सी डी पे, रखा सी डी के सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द एज। अब हमारे रूम क्या, ये एक साइड तुम कंसिडर कर सकते हैं, रूम भी एक हमारा क्यूब कंसिडर करो। तो पहले काम करना है गॉसेस थ्योरम के लिए इसे कम्प्लीटली इनक्लोज करना है। अब गॉसेस थ्योरम के लिए इसे कम्प्लीटली इनक्लोज करना है तो कितना क्यूब लगेंगे? अब इसको कम्प्लीटली इनक्लोज करना है, कोई भी गोली मार नहीं सकता उसको। तो एक क्या करो बाबा, एक इसके राइट साइड को बांधो, ऐसा बांध दिया। अब राइट साइड से हमला नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर से कोई हमला कर सकता है, तो इसके ऊपर एक बांध दो, तो ये अब दिखेगा नहीं कोई, हमारा ये प्रोटेक्ट हो गया हमारा चार्ज। उसके बाजू में इधर से कोई गोली मार सकता है, इधर से भी इसको तुम इनक्लोज करो, तो दूसरे तीन क्यूब लग रहा है, मतलब टोटल हमारा क्यूब पकड़ के कितना लग रहा है? चार। तो हमारे क्यूब में जाने वाला फ्लक्स उसका चौथा हिस्सा होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम से ये क्लोजर सिस्टम बन गया है, और इस क्लोजर सिस्टम में कितना जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन हमारा क्यूब का नंबर फोर्थ है, मतलब हमारा जो ओरिजिनल क्यूब है, ये क्यूब हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसके अंदर कितना फ्लक्स जाएगा टोटल? तो फोर्थ नंबर का है, तो हमारा अंदर जाएगा क्यू बाय फोर एप्सिलॉन जीरो। लेकिन नो फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी एंड सी डी एच जी। अब दो जगह पे ये दो साइड को फ्लक्स पास नहीं होगा, कौन कौन से दो? ये दो जगह पे फ्लक्स पास होगा नहीं, राइट? अब ये दो जगह पे फ्लक्स क्यों पास नहीं होगा? वही रीजन है, इसको लाइंस पैरेलल रहेगा तो बाकी में जाएगा, बाकी फोर में जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू फेसेस ऑफ द अवर क्यूब, और ईच फेस, हर एक फेस में कितना जा रहा? अब आने वाला फ्लक्स है क्यू बाय फोर एप्सिलॉन जीरो, उसमें से चार फेस में जा रहा है, तो टोटल बाय फोर करो, तो q बाय फोर बाय फोर यानी q बाय सिक्सटीन एप्सिलॉन जीरो फेस में से जाएगा, ठीक है? अब वही क्यूब है, खाली हमने चार्ज को कहाँ रखा है? चार्ज को इधर रखा है प्लस q, कहाँ रखा है? c पे रखा है, इधर c है, दिख रहा नहीं? यानी पोजीशन ऑफ चार्ज कहाँ होगा? एट एनी वर्टेक्स ऑफ क्यूब, एनी वर्टेक्स पे रख सकते हैं हम, c पे रख दिया। अब इसे क्यूब को एट वर्टेक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना लगेगा? एट लगेगा कम्प्लीटली इनक्लोज करने के लिए, बराबर है? हाँ, तो हमारे फ्लक्स में जाना, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, हमारे क्यूब में जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो एट नंबर है हमारा, एटवा नंबर है टोटल में से, मतलब इस टोटल सिस्टम में, ध्यान दो, इस टोटल सिस्टम में जाता था गॉसेस लॉ से कितना? फाइ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, और हमारा क्यूब का नंबर एट है, तो जाएगा क्यू बाई एट एप्सिलॉन जीरो, ठीक है? अब हम देखेंगे कि कैसे एट नंबर के क्यूब हमको लगता है, हाँ वो हम देखेंगे। देखो ये रेड कलर का जो किया ना मैंने, ये हमारा ओरिजिनल क्यूब है, ज़रा छोटा करके दिखाया यार, ये रेड कलर का है, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब क्या होगा, इसको, इस चार्ज को धोखा है अब सब तरफ से, दुश्मन है, तो इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके क्लोज करने के लिए पहले क्या कर देंगे, इसके पीछे एक लगा देंगे क्यूब, ये ग्रीन वाला लगा दिया, राइट?
अब इधर साइड से कोई देख रहा है, इसको धोखा है, तो इधर एक ब्लू वाला लगाएगा, ये आ गया किसको पैरेलल, ये येलो को पैरेलल, ओरिजिनल को पैरेलल। लेकिन पीछे से और कोई हमला कर सकता है, इसे हम ऐसा इनक्लोज कर देंगे। तो कितना हुआ देखो दोस्तों, 4 क्यूब लगा हमको। लेकिन अब ऊपर से कोई उसे उठा सकता है, हेलीकॉप्टर से गोली मार सकता है, तो ऊपर भी 4 बना देंगे हम। अब येलो के ऊपर इधर एक बनाता हूँ मैं, या ऐसा चाहिए, थोड़ा कम ज़्यादा होगा, एक कॉमन साइड आएगा। लेकिन इसके पीछे से भी कोई मार सकता है, तो और एक पीछे से लगा देंगे। देखो हम दूसरा लगा देंगे, हम कौन सा लगा देंगे, देखो ये लगा देंगे, पीछे से लगा दिया। अब इसके ऊपर भी 2 निकालना पड़ेगा, चलो इसके ऊपर भी 2 निकाल देंगे, ये आ गया, एक कॉमन साइड आएगा। और इसके पीछे को एक लगा देंगे, ये नहीं, ये सेम कलर हो रहा है, कौन सा, ये लगा था इसके पीछे झाल। तो कितना क्यूब्स लगे हमें, टोटल 8 क्यूब लगे। लेकिन अब एक यहाँ बहुत बड़ी कहानी है, नो फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ABCD, यहाँ पे चार्ज है हमारा, तो इसमें फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि लाइन इसको पैरेलल आएगा, ये लाइन ऐसे आएगी, तो इसमें फ्लक्स पास नहीं होगा, कोई भी बताएगा। ओके, टॉप वाले में ABCD में, फिर बैक सरफेस पे उसको भी पैरेलल आएगा। बैक सरफेस कौन सा, ये हमारा ब्लैक बैक सरफेस है, हाँ थोड़ा डार्क कर दो, ये बैक सरफेस है, पीछे वाला कौन हो गया, ये यहाँ पे कौन है, सी, तो बैक सरफेस होगा, BCGF भी नहीं हुआ, बैक सरफेस टॉप वाला भी नहीं हुआ। अभी कौन रह गया, CD, हाँ ये बाजू वाला, अब इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, देखो ये फेस भी नहीं हो गया, हाँ बैक टॉप को जरा अलग कलर से दिखाता, चलो ये टॉप का भी नहीं होगा, ये बैक, तो इन तीनों में फ्लक्स पास नहीं होगा। ओके, तो बाकी 3 में होगा। तो आने वाला कितना है हमारे क्यूब में, आने वाला हमारे क्यूब में Q/ε0। तो फ्लक्स जा रहा है 3 ही फेस में, ये 3 छोड़ के बाकी तीनों में जा रहा है। मतलब बाकी 3 कौन कौन रहेगा जरा सोचो, बरा बाकी 3 सामने वाला रहेगा, मतलब ADHE रहेगा, लेफ्ट वाला रहेगा ABFE रहेगा, और बॉटम वाला रहेगा EFGH, 3 में जाएगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, तो आने वाला है हमारा कितना, 8Q/ε0। अब उसमें से जाएगा कितना, 3 में ही जा रहा है, तो टोटल बाय 3 करो, Q/ε0/3, आंसर आएगा Q/24ε0।